मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि रंजन व्लॉग्स और मैं हूँ रिया आपके साथ। तो आज है वेडनेसडे। मैंने ट्यूसडे कोई व्लॉग नहीं किया था, मंडे के बाद सीधा आज है वेडनेसडे। मंडे मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, वो ट्यूसडे कंटिन्यू कर रहा था और इसलिए मैं आज नहा धो के वेडनेसडे व्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और मुझे आज व्लॉग स्टार्ट करने में काफ़ी लेट हुआ है, अभी बज रहे 11:30 और मैं जस्ट नहा के निकली हूँ। मेरे बालों का हालत आप देख सकते हो, अभी भी एकदम जस्ट निकल के ही मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और मैंने बहुत दिन मेरी बालकनी का टूर नहीं कराया, तो मैं ज़रूर से आज कराना चाहूँगी आपको। और मेरा मोटा मोटी 50% लंच रेडी है, डिनर का आज कुछ भी नहीं बना है। और मैं आज थोड़ा स्लो जा रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आई एम नॉट वेल। आई एम ट्राइंग कि मैं धीरे धीरे हर काम आराम से करूँ, पैनिक नहीं करूँ और टेंशन नहीं करूँ। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यही से स्टार्ट कर रही हूँ। एज यूजुअल किचन वर्क तो है ही, अभी थोड़ा सा नहा के पूजा करने के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो थोड़ा बाल बाल सुखा लेते और फिर बहुत दिन हम लोग बालकनी में नहीं गए, आज बालकनी में जाके थोड़ा सा आपको नजारा भी दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। बालकनी में आ चुकी हूँ और धूप तो निकला ही है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा ही धूप है आज। और इतना धूप है कि मेरे से देखा नहीं जा रहा है और बहुत दिनों बाद धूप आया, अच्छा लग रहा है। और ये कुछ व्यू इस तरह से, रुकिए मैं बैक कैमरा से अच्छे से आपको दिखाती हूँ। तो बालकनी में बहुत ज़्यादा ही टहल लिया, टाइम भी वेस्ट हो चुका है टहलने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम भी चाहिए और हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हम लोगों के पास क्या, आज के ज़माने में किसी के पास खाली टाइम रहता ही नहीं है। मेरा सब्जी 50% रेडी था कुकर में, बस आलू उबालने के लिए दिया था, वो अभी उसको अच्छा से थोड़ा सा और एक बार उबाल के सब्जी को तैयार कर लेंगे। और चावल अभी बिठाना है, इतना जल्दी नहीं बिठाएंगे पर वैसे निकाल के रेडी कर लेते। हम लोग हाउसवाइफ्स का तो रोज का कुकिंग का काम तो है ही। अब जो लोग खुशी खुशी कुकिंग करते हैं उन लोगों का बात अलग है, मेरे जैसे जो है जिन लोगों को कुकिंग करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्या करें, करना ही पड़ेगा। क्या करें, हस्बैंड थोड़ी ना कुकिंग करेंगे, उनको भी तो काम है। और मैं आपको थोड़ा सा डेली न्यूज यहाँ का बताती हूँ। नॉर्थ सिक्किम में रास्ता भयंकर तरीके से टूट चुका है, जिसकी वजह से हम लोग का नॉर्थ सिक्किम में होटल है तो वहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे वो लोग अभी तक रिटर्न नहीं आए, परसों गए थे, कल तो रास्ता बंद होने के कारण वहीं रह गए थे और आज भी नहीं आए, पता नहीं कब आएंगे। और 100 से भी ज़्यादा गाड़ी वहाँ पे अटक चुका है, तो हालत और सिचुएशन दोनों ख़राब है। और इसकी वजह से मेरे हस्बैंड के बिजनेस में भी थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा ही है, क्योंकि अभी टूरिस्ट था और क्योंकि रास्ता ख़राब है तो अभी कोई घूमने भी नहीं जा सकता, नहीं घूमेंगे तो हम लोग का भी बिजनेस तो थोड़ा डाउन होता है। एट द सेम टाइम टूरिस्ट तो भी इतने मतलब खुशी से यहाँ आते हैं कुछ देखने के लिए, घूमने के लिए, और फिर उन लोग का भी प्लान चौपट हो चुका है। तो बस यही आज का डेली न्यूज है। और कुकिंग कुकिंग एंड कुकिंग, हाय रब्बा, कुकिंग तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए करते हैं कुकिंग, और क्या है। मैं इधर थोड़ा कुकिंग कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर बैठ के आराम से आप लोगों से बात करती हूँ। मैं कुछ स्पेशल तो बना नहीं रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, और बाल थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा सा अभी भी गीला है। मैं अंदर जाके आराम से बैठ के खुशी से बात करती हूँ। और मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं हुआ है, ये मेरा बहुत गंदा आदत है, मैं सारा काम करने के बाद सोचती हूँ ब्रेकफास्ट करूँ और बहुत लेट हो जाता है, मुझे दवाई भी लेना है। तो झटपट झटपट थोड़ा सा काम करके ब्रेकफास्ट लेके आप लोगों से मिलते हैं। शॉक्ड हो जाओगे कि मैं 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और वो भी ब्रेकफास्ट देखिए, पर क्या करें, अभी 1 बजे तक हस्बैंड आ जाएंगे, कुछ छोटा मोटा चुटर पुटर खा लेते हैं, क्योंकि फिर अभी हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच टाइम खाना नहीं खा पाएंगे। तो आज ये है मेरा ब्रेकफास्ट, भुजिया और रिंग ब्रेड बोलते हैं ये, इसमें एक फ्लेवर दिया हुआ है, बहुत ही स्वादिष्ट है और यहाँ का लोकल ब्रेड है ये।
बिल्कुल भी शॉक मत हो, ये मेरा ब्रेकफास्ट देख के, मेरा ब्रेकफास्ट में है ये रिंग वाला ब्रेड, मुझे बहुत पसंद है, यहाँ का लोकल ब्रेड है और इसमें एक फ्लेवर दिया हुआ है, और भुजिया, भुजिया तो मेरा रेगुलर है, कुछ भी मीठा लो तो बिना भुजिया का मैं खाना खा नहीं पाती हूँ। और आप लोग शायद देख के हंस भी रहे होंगे, शॉक्ड भी होंगे, मैं 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, हाँ मैं बहुत लेट हूँ और अभी मुझे दवाई लेना है फटाफट, और आज क्योंकि वो रोड का प्रॉब्लम है तो हस्बैंड का भी उतना काम नहीं है, वो जल्दी आ जाएंगे, और फिर मैंने सोचा अभी अगर कोई हैवी ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो लंच नहीं कर पाएंगे, और लंच के लिए डायरेक्ट वेट भी नहीं कर सकते, मुझे ब्रेकफास्ट के बाद का दवाई लेना है। एंड ये वीडियो अगर मेरी मम्मी देख रही है तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी क्योंकि मैं 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और मम्मी क्या हस्बैंड जो भी मेरे नियर एंड डियर वन से बहुत गुस्सा करेंगे, पर क्या करे, हो गया है लेट, अब आज के लिए माफ कर दो, वीडियो देख रहे तो माफ कर दो। तो मैं ब्रेकफास्ट करते करते आप लोगों से थोड़ा देर बात कर लूं, और ब्रेकफास्ट करते टाइम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर मेरा सारा काम हो जाता है ना तो लगता है मैं सुकून से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और अगर मैं काम के पहले ब्रेकफास्ट करूँ तो मुझे लगता है अरे जल्दी 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 खाऊ, बहुत लेट हो रहा है, जैसे लगता है खाने में ही मेरा सारा टाइम चला जा रहा है। तो अभी मैं देख के कितना आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ, आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, पर नहीं ये गलत है, मैं ट्राई करूंगी कल से थोड़ा थोड़ा और जल्दी करूँ सब कुछ। और मैं आज शाम को बनाने वाली हूँ पाव भाजी, मेरे हस्बैंड का डिमांड है, वो पाव लाए हैं, भाजी बनाना है, भाजी बनाने के लिए सब कुछ रेडी है, कल तक इतना ज्यादा धनिया पत्ता था, कल मैं सारा खाने में डाल दी, अब आज मुझे बनाना है पाव भाजी, अब धनिया पत्ता नहीं है, पर बाकी टमाटर वगैरह सब कुछ है, शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ है, तो मैं बनाऊंगी स्पेशल पाव भाजी, जरूर से चेकआउट कीजिएगा, आज कुछ स्पेशल पाव भाजी बनाऊंगी, चेकआउट तो करना बनता ही है। तो ठीक है, मैं तब तक ब्रेकफास्ट कर लूँ, और मैं जिस दिन बहुत ज्यादा खुश होती हूँ, हंसती रहती हूँ ना, शाम को मेरा तबीयत खराब होता है, मैं फिंगर्स क्रॉस रखती हूँ कि मेरा तबीयत आज शाम को हेडेक, स्टमक एक, कुछ भी फीवर वगैरह कुछ नहीं हो, भगवान करे कुछ भी नहीं हो, और मैं अच्छे से आप लोगों को पाव भाजी दिखा पाऊँ। तो चलिए मैं आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट कर लूँ, कैमरा के सामने बैठ बैठ के इतना सारा खाना खाना ठीक बात नहीं है, मैं ब्रेकफास्ट करके दवाई ले लूँ और फिर मैं दिखा देती हूँ लंच में मैंने क्या क्या बनाया है, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय फॉर नाउ। ओके नाश्ता मेरा कंप्लीट है, और मैंने जस्ट अभी दवाई ली, आप पता नहीं आज बहुत ज्यादा नाश्ता करते करते मन हुआ सिकंजी पीने का, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा खुद भी सिकंजी पीते हैं और हस्बैंड के लिए भी बना के रखते, पता नहीं आज बहुत मन कर रहा है, तो नींबू भी बहुत सारा है तो मैं सिकंजी बनाती हूँ, बहुत पीने का मन कर रहा है, आप लोग भी गर्मी में सिकंजी पिया कीजिए, मेरे यहाँ पे भले इतना गर्मी नहीं है पर ग्लूकॉन डी सिकंजी नींबू पानी पीना बहुत जरूरी है, आप लोग डिहाइड्रेटेड हो जाते होंगे, बहुत ज्यादा ही एक्सेसिव गर्मी है आजकल। तो मेरा सिकंजी रेडी है, बहुत अच्छा बना है, सिकंजी रोज पीना चाहिए, ऐसे नींबू पानी पीने से ना बहुत ज्यादा ही मतलब अच्छा होता है, मैं बताती हूँ आप लोगों को, शायद मालूम होगा विटामिन सी है नींबू में, और विटामिन सी होने की वजह से स्किन एट द सेम टाइम कैल्शियम बहुत अलग अलग ऑर्गेन्स हेयर्स नेल्स सब चीज को बहुत अच्छा करता है, और जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है सिकंजी नींबू पानी क्यों पीना चाहिए, डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हो गर्मी से आए हो, शरीर को कूल करने के लिए, शरीर को अच्छा रखने के लिए, वाटर बैलेंस रखने के लिए सिकंजी हमेशा पीना चाहिए, भले मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है पर आज ऐसे ही मन किया,
कि थोड़ा सा सिकंजी बनाए, नींबू तो था ही। ऐसे ही ब्रेकफास्ट करते करते मेरे दिमाग में हमेशा ही ब्रेकफास्ट नहीं, पूरा दिन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज सिकंजी पिया जाए, बहुत सारा नींबू, हस्बैंड भी आएंगे तो उनको भी बना के देंगे, क्योंकि यार अभी गैंगटॉक में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। वो आने के बाद एकदम स्वेट जैसा हालत होता है, मेरे घर में फैन नहीं है, वो तुरंत नहाने चले जाते हैं। मैं मना करती हूँ क्योंकि गर्मी से आके तुरंत नहाना ठीक नहीं है। वो सोचते हैं कि थोड़ा देर बैठो तो ठंडा पानी से नहीं नहा पाएंगे, अभी गर्मी लग रहा है तो ठंडा पानी से भी नहाना हो जाएगा तो फटाफट नहा लेते, पर वो गलत बात है। और आप लोग जो सिटी में हो, जहाँ पे हो, अगर मेरे जैसा वेदर नहीं है और है भी तो थोड़ा सा नींबू पानी कभी कभार वीक में 2-3 डेज पीने का कोशिश कीजिए। नॉर्मल सॉल्ट नहीं, ब्लैक सॉल्ट नहीं तो संदक नमक डाल के, और चीनी थोड़ा सा कम लीजिए, क्योंकि चीनी मुझे नहीं लगता चीनी में कोई भी फायदा है। चीनी एक ऐसा चीज है सिर्फ नुकसान ही नुकसान करता है। तो चीनी का मात्रा, मैं आज चीनी तो एकदम बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। अगर आप बिना नहीं पी सकते इतना खट्टा तो चीनी बहुत कम लीजिएगा। तो ये रहा मेरा सिकंजी, मैं खत्म करके फिर दिखाती हूँ मैंने आज लंच में क्या क्या बनाया। देखना भी तो बनता है, रोज खा जाती हूँ फिर दिखाती हूँ, आज पहले दिखा देती हूँ। आज बहुत ही सिंपल सा लंच बना है, आलू परवल का सब्जी, दाल, फिश को फ्राई कर लिए, पापड़ और मीठा आम। किचन तो मेरा एकदम मैसी हो के रहा है क्योंकि मैं तैयारी कर रही हूँ पाव भाजी का। मैं आपको दिखाऊंगी तो उसके पहले इंग्रेडिएंट, और इस बीच में हस्बैंड का फरमाइश है चाय बनाओ, तो अभी बीच में मैं चाय भी बनाने लग गई। थोड़ा सा आज दोपहर को सोई नहीं, थोड़ा सा रेस्ट लिया, और अभी मैं फटाफट पाव भाजी का प्रिपेरेशन, प्याज टमाटर जो भी लगता है मैं इंग्रेडिएंट्स रेडी कर ले रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वो जरूर से स्टे ट्यून देखिएगा, मेरा पाव भाजी बहुत शॉर्टकट है। ऑथेंटिक वे में मैं पाव भाजी नहीं बनाती हूँ, शॉर्टकट में पाव भाजी का टेस्ट भी आएगा और लगेगा भी कि हाँ पाव भाजी खा रहे, वो भी शॉर्टकट, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अभी शाम का चाय बना रहे, उसके बाद ही स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो पहले शाम का चाय थोड़ा बना लेते हैं और फिर बनाएंगे पाव भाजी। तो चाय मेरा रेडी है, फटाफट चाय पी लेते हैं और उसके बाद बैक में किचन में आके दिखाते हैं पाव भाजी। जरूर से स्टे ट्यून रहेगा, देखिए कैसे भी बने आप लोग देखिए, फिर मुझे कुकिंग का थोड़ा सा नशा आएगा। ऐसे भी आई हेट कुकिंग, है ना, देखते रहना। हाँ, चाय पीना कंप्लीट, बहुत सारा टाइम इधर उधर करके बर्बाद किया है। तो चलिए मेन टॉपिक, अभी बनाते हैं पाव भाजी, और पाव भाजी बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट लगेगा थोड़ा सा देख लीजिए। बनाने के लिए हम लोगों को लगेगा मटर, जिसे हम लोग घुगनी बोलते हैं ना, घुगनी बनाते हैं, वो मटर मैंने उबाल के रख दिया है। ज्यादा उबालना भी नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट जैसा। मैंने कुकर में 3 विसल लगाया है। इधर मैंने चॉप करके रखा है हरी मिर्च 2 ठो, एक आधा टमाटर और एक आधा बड़ा सा प्याज। ये है अदरक पेस्ट, अदरक पेस्ट, गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट मेरा हमेशा ही फ्रीजर में रेडी रहता है। तो ये पेस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप फाइन चॉप करके भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा आलू उबाल के रख दिया है, इसको स्मैश करना है। अब मसाले में क्या क्या लगने वाला है, प्लीज नोट। मसाले में मैं यहाँ पे यूज करूंगी चीनी, नमक जो बेसिक है, हल्दी और लाल मिर्च, ये भी बेसिक है। गरम मसाले में, खड़े मसाले में मैं दालचीनी और लौंग लूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, यहाँ पे गरम मसाला, और जो मेन है ये है आमचूर पाउडर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरा आता है मसाले में, और मैंने नहीं निकाला है वो है ये चंकी चाट मसाला, ये चाट मसाला भी हम लोगों को डालना है। तो ये रहा इंग्रेडिएंट्स, और एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए। और मैं यहाँ पे यूज करूंगी रिफाइन ऑयल, मैं रिफाइन ऑयल में कुकिंग करूंगी। पहले सबसे पहले मैं आलू को स्मैश करके रेडी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे आलू को स्मैश कर लिया है अच्छे से हाथों से, क्योंकि पाव भाजी में हम लोग स्मैश्ड आलू ही डालेंगे, चॉप किया हुआ आलू हम लोग डालेंगे तो पाव भाजी जैसा स्वाद नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन रेडी कर लिया, इसमें वाइट ऑयल भी डाला हुआ है, और मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। और गैस को ऑन करने के बाद
थोड़ा सा इसको हीटिंग टाइम देते हैं। हो चुका है और अब मैं इसमें दालचीनी और लौंग जो खड़े मसाले थे वो मैंने डाल दिया है। इसको थोड़ा देर भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें छोटा आइसक्रीम का चम्मच इतना सा लहसुन पेस्ट डाल देंगे और वैसे ही थोड़ा सा ये इतना सा ग्रीन चिली पेस्ट भी डाल देंगे और गैस को थोड़ा सा सिम कर दिए। और डाल देंगे थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी। अब इसमें डाल देंगे प्याज, तो चॉप किया हुआ प्याज मेरे पास था मैंने वो डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम लोग भूनेंगे। जब तक ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का नहीं हो जाता है हम लोगों को इस तरह से ही धीमी आंच में भूनना है ताकि प्याज भी थोड़ा सा बने और ब्राउन भी हो। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च। और वापस इसको अच्छे से भूनना है। टमाटर भी एकदम भूनने के बाद थोड़ा सा उबल जाएगा और पेस्ट टाइप का बन जाएगा। मसाला थोड़ा बहुत रेडी हो चुका है और टमाटर भी देख रहे हो अभी वो जगह हुआ नहीं है, सब मतलब थोड़ा सा स्मैश टाइप का हो गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी मटर। इसको अच्छे से हम लोग अब मिला लेंगे। थोड़ा देर ऐसे ही भुनेंगे और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सारा मसाला, जितना भी मसाला मैंने दिखाया उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। गलत बोली थी, इसके बाद मसाला नहीं स्मैश्ड किया हुआ आलू को ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज का एक आलू लिया था। आप डिपेंड कर रहा है, आलू मैं कम देती हूँ और मटर ज्यादा, कोई कोई एक्चुअली आलू और मटर इक्वल रेशियो होना चाहिए। ये सब अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी एक एक करके सारा मसाला। सबसे पहले मैं डाल दूंगी नमक, उसके बाद डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला बिना तो पाव भाजी नहीं बन सकता है। फिर थोड़ा सा चीनी और आमचूर पाउडर। तो मेरा सारा मसाला मैं डाल चुकी हूँ, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आपको बोलना भूल गई थी कि धनिया पत्ता अगर हो तो धनिया पत्ता भी आप डाल सकते हो। और अब मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला। और पाव भाजी बिना बटर का तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता है, मैं ये भी आपको दिखाना भूल गई। लास्ट में हम लोग डालेंगे बटर। तो इस भाजी में थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो
और इसको थोड़े देर के लिए एकदम लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि जो सारा मसाला वगैरह है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। पाव भाजी बिना पाव का तो कभी बन ही नहीं सकता है, तो मैंने यहाँ पे दो पाव को बीच में से काट लिया है और बटर में इसको थोड़ा सा सेक लूंगी। तो मैं सबसे पहले पाव को रेडी कर लेती हूँ और उधर भाजी को पानी डाल के सिम में छोड़ दिया है। तो पाव को सेकने के लिए मैंने यहाँ पे एक तवा रेडी कर लिया है और तवा में थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। इतना सा बटर और थोड़ा सा बटर लेंगे जो कि हम लोग पाव भाजी में ऐड करेंगे। इतना सा बटर मैंने लिया है और अब मैं ये भाजी के ऊपर डाल दूंगी। देख सकते हो बटर मेल्ट हो चुका है और अब इसको पाव को सेकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मेरा भाजी रेडी हो रहा है और भाजी के ऊपर मैंने बटर डाल दिया है और ताकि इसमें और भी अच्छा स्वाद आए। मेरा पाव भाजी रेडी हो चुका है और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसे मैंने प्लेटिंग किया है। कच्चा प्याज ऊपर डालना ही है और नींबू मस्त है। मैं दिखाती हूँ कैसा मेरा पाव भाजी दिख रहा है और टेस्ट करके तो मैं बता सकती हूँ, स्मेल तो बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई कीजिए जरूर से, तो देख लीजिए कैसे दिख रहा है आफ्टर मेकिंग द पाव भाजी। लुक्स तो मेरा खाने का हमेशा ही अच्छा आता है, फिर भी आप देख लीजिए कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा पाव भाजी। बहुत टेस्टी बना है, अभी तक खाए नहीं है, टेस्ट करके आपको बताती हूँ। तो मेरा पाव भाजी रेडी है और मैं यहाँ पे जिम में खाने बैठ गई हूँ और थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। आज उतना अच्छा नहीं बना है जितना यूजुअली बनता है। वैसे खराब नहीं बना है, थोड़ा सा नमक कम है। मैं झूठ क्यों बोलूं आप लोगों से, नमक कम है थोड़ा सा। तो चलिए
इग्नोर द क्लोथ्स बिहाइंड। मैं आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो फिर मिलते हैं कल आपसे, और कल कोई नया चीज़ लेके आएंगे और कुछ नया सिखाने के लिए लाएंगे। और सिखाने या सिखाने का बात नहीं, अच्छा लगता है शेयर करना, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप भी ट्राई करो ये पाव भाजी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चलिए चलिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बनता ही। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मीट यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय फॉर नाउ।